मूवी के शुरू में हम क्लोई और उसकी मॉम कैथरीन को देखते हैं, जो टेंडरविल नाम की एक नई जगह शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे क्लोई इन सब से बिल्कुल खुश नहीं है और अपना नया घर देखकर उसका मूड और खराब हो जाता है, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल हॉन्टेड हाउस के जैसा है। अंदर आते ही क्लोई को वहाँ कुछ नॉर्म्स नजर आते हैं जो देखने में बहुत क्रीपी हैं, और वो इन्हें इग्नोर करके ऊपर चली जाती है। क्लोई को फोन पर टाइम बिताने का बहुत शौक है और वाईफाई ना होने की वजह से वो पूरे घर में इधर उधर नेटवर्क ढूंढने लगती है। गुस्से में वो एक दीवार पर अपना पैर मारती है और तभी वहाँ एक सीक्रेट रास्ता निकल आता है। क्लोई उसके थ्रू ऊपर एटिक पर आती है और देखती है कि वहाँ एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल रखा हुआ है। वो किसी तरह उस क्रिस्टल को निकाल कर बाहर आती है और वहाँ उसे सामने वो नॉर्म्स नजर आते हैं। क्लोई उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें घर के बाहर रख देती है और वहाँ उससे मिलने लियम नाम का एक लड़का आता है। लियम उसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन क्लोई को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है और वो उसे इग्नोर करके अपने घर चली जाती है। डिनर पर वो अपनी मॉम को बताती है कि वो इस तरह घर बदलने से तंग आ चुकी है, क्योंकि इसकी वजह से उसे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ता है और वो हमेशा अकेली रह जाती है। उसकी मॉम भी उसकी प्रॉब्लम अच्छे से समझती है, लेकिन अपनी जॉब के कारण वो ऐसा करने के लिए मजबूर है, और ये सुनकर क्लोई उदास हो जाती है। तभी उसे किचन में कुछ हलचल सुनाई देती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। अगली सुबह हम उसे स्कूल के लिए तैयार होते हुए देखते हैं और वो उस क्रिस्टल को एक नेकलेस की तरह पहन लेती है, लेकिन उसके घर से निकलते ही वहाँ एक मिस्टीरियस पोर्टल खुल जाता है और उसमें से एक अजीब सा क्रीचर बाहर आता है। स्कूल में भी लियम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तभी वहाँ तीन स्टाइलिश लड़कियाँ आती हैं और लियम बताता है कि ये ब्रिटनी, टेफनी और चेल्सी हैं और इस स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल्स हैं। क्लोई भी उनकी प्रेजेंस से बहुत इम्प्रेस होती है, लेकिन लियम उसे वॉर्न करता है कि ये भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं है और तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए। तभी ब्रिटनी क्लोई को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि उसका नेकलेस बहुत ही सुंदर है। वो कुछ देर के लिए उस नेकलेस को बोरो करना चाहती है, जिसके बदले में वो क्लोई को एक डांस पार्टी के लिए इनवाइट करती है और उनसे दोस्ती करने के लालच में क्लोई इसके लिए तैयार हो जाती है। घर आकर वो अपने लिए लंच तैयार करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अजीब सा क्रीचर भी वहीं मौजूद है। क्लोई उसे देखकर डर जाती है, लेकिन देखती है कि वो क्रीचर उससे खाना मांग रहा है। वो एक एक करके उसे घर का सारा खाना खिला देती है और वो क्रीचर थककर सो जाता है। फिर जैसे ही क्लोई छुपकर निकलने लगती है, एक दूसरा क्रीचर आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाए, एक ग्रीन सी एनर्जी उसे रोक लेती है। क्लोई देखती है कि ये तो वो गार्डन नॉम्स हैं और उन्हें इस तरह जिंदा देखकर वो बेहोश हो जाती है। जूक अपने नॉम से क्लोई को चेक करने को कहता है, क्योंकि वो क्रिस्टल असल में एक कीस्टोन है और क्लोई ने अनजाने में उसे चुरा लिया है। पता चलता है कि वो अजीब से क्रीचर असल में ट्रोक्स हैं, जो किसी दूसरे डायमेंशन से आए हैं और ये कीस्टोन ही उन्हें रोक सकता है। सुबह आँख खुलने पर क्लोई अपनी मॉम कैथरीन को वहाँ देखती है और उसे लगता है कि ये सब शायद एक बुरा सपना था। कैथरीन बताती है कि वो एक मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रही है और उसे आने में देर हो जाएगी। फिर वो उसे घर साफ करने के लिए थैंक्स बोलती है और कैब में वहाँ से चली जाती है। क्लोई को समझ नहीं आता कि आखिर ये सफाई किसने की है, लेकिन अपने रूम में उसे फिर से नॉर्म्स दिखाई देते हैं। वो सब उसे एक चेयर से बांध लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर उसने कीस्टोन को कहाँ छुपाया है। क्लोई को अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और तब एक बूढ़ा नॉर्म उसे बताता है कि वो कीस्टोन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर वो नहीं मिला तो दुनिया में हर जगह तबाही मच जाएगी। फिर वो उसे उन ट्रोक्स के बारे में बताते हैं जो इस दुनिया को खत्म करने आए हैं, और तभी एक ट्रोग उन पर हमला कर देता है। नॉम्स उसे पकड़ने बेसमेंट में आते हैं और क्लोई देखती है कि वो एक ग्रीन कलर का लिक्विड यूज कर रहे हैं। जूक बताता है कि ये ऊज नाम के एक पेड़ का रस है और ये ट्रोक को उनकी डायमेंशन में वापस भेज देता है। आगे वो उस ट्रोक को पकड़ने की कोशिश करते हैं और तभी क्लोई से मिलने लियम वहाँ आता है, जो उसका एक पुराना नॉम लौटाने आया है। क्लोई उसे वहाँ से वापस जाने को कहती है, लेकिन लियम खिड़की से ट्रोक को देख लेता है। तब क्लोई उसे सारी बात बताती है और लियम भी नॉम्स को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नॉम्स उसे पकड़ लेते हैं और क्लोई से कीस्टोन को वापस लाने को कहते हैं। क्लोई स्कूल में ब्रिटनी से मिलने आती है, लेकिन पता चलता है कि कीस्टोन तो ब्रिटनी के घर पर ही है और वो शाम को डांस पार्टी में उसे लाने का प्रॉमिस करती है। घर आकर क्लोई देखती है कि लियम नॉम्स की मदद कर रहा है और उसे ट्रॉक्स के खतरे के बारे में सब पता चल चुका है।
क्लोई उसे बताती है कि कीस्टोन हमें शाम को मिलने वाला है और ये सुनकर लियम को बहुत गुस्सा आता है। नॉम्स को भी इस बात से बहुत निराशा होती है और तभी एक पोर्टल खुलने से वहाँ और भी ट्रॉक्स आने शुरू हो जाते हैं। लियम और क्लोई नॉम्स के साथ मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन देखते हैं कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और बचने के लिए वो ऊपर एटिक में चले जाते हैं। पता चलता है कि ये नॉम्स का सीक्रेट बेस है और वो पूरे घर को सील कर देते हैं ताकि कोई यहाँ से बाहर ना जा पाए। आगे एक नॉम उन्हें पूरी स्टोरी सुनाता है कि कैसे धरती पर जीवन लाने वाले नॉम्स ही थे लेकिन एक दिन कुछ दूसरी डायमेंशन के क्रिएचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। उन्होंने कीस्टोन की पावर से एक पोर्टल बना लिया और धरती से लाइफ का नामो निशान मिटाने लगे लेकिन फिर उस पेड़ की मदद से नॉम्स ने उन्हें हराना शुरू कर दिया। फिर फ्यूचर में इस जगह इंसानों ने ये घर बनाया और कीस्टोन के टुकड़े से नॉम्स ने उस पोर्टल को हमेशा के लिए सील कर दिया। वो बताते हैं कि इसमें हमारे लीडर ज़ैम्फिर को अपनी जान गंवानी पड़ी और तुमने वो कीस्टोन चुरा कर हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तभी वो देखते हैं कि बेसमेंट में एक और पोर्टल खुल गया है और वो सब वहाँ उसे चेक करने जाते हैं। ज़ूक बताता है कि ज़ैम्फिर भी इसी पोर्टल में गया था लेकिन वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाया। फिर वो उन्हें वो उस प्लांट दिखाते हैं लेकिन उसका रस भी जल्दी ही खत्म होने वाला है और उससे पहले उन्हें कीस्टोन को हासिल करना होगा। आगे हम उन्हें घर में फैले ट्रॉक्स को काबू करते हुए देखते हैं ताकि सील खोलकर क्लोई को बाहर भेजा जा सके। लियम भी अपने इन्वेंशन से एक रोबोट बनाता है जो ट्रॉक्स को पकड़ने में उनकी मदद करता है। फिर लियम क्लोई के साथ चलने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों एक बहुत ही अच्छी टीम है लेकिन क्लोई कहती है कि इससे ब्रिटनी के सामने उसका इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। लियम उसे एक बार फिर समझाता है लेकिन क्लोई कहती है कि मुझे अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिले हैं और मैं इस बार उन्हें नहीं खोना चाहती। फिर क्लोई तैयार होकर अपनी डांस पार्टी के लिए निकल जाती है लेकिन देखती है कि लियम वहाँ पहले से ही मौजूद है। लियम बताता है कि ये सब नॉम्स का आइडिया था लेकिन क्लोई उसे इग्नोर करके ब्रिटनी के पास चली जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि ब्रिटनी वो नेकलेस अभी भी नहीं लाई क्योंकि वो उसकी ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा था। ये देखकर लियम खुद ब्रिटनी से बात करने आता है और उसे घर जाकर तुरंत उस नेकलेस को वापस लाने को बोलता है। ब्रिटनी को लगता है कि लियम शायद क्लोई का बॉयफ्रेंड है और खुद को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए क्लोई लियम को वहाँ से जाने को बोलती है। ब्रिटनी और उसकी फ्रेंड्स लियम का बहुत मजाक उड़ाती हैं और उदास लियम वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि नॉम्स और ट्रॉक्स के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है और तभी कुछ ट्रॉक्स उसे पकड़कर अपने साथ पोर्टल में ले जाते हैं। इधर क्लोई लियम का भेजा एक मैसेज देखती है जिसमें उसने लिखा था कि वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता है और ये देखकर उसे ब्रिटनी पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे तुरंत अपना नेकलेस लौटाने को कहती है और साथ ही बताती है कि मुझे अब तुम्हारा दोस्त बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ब्रिटनी उसे बताती है कि वो नेकलेस तो मैं कूड़े में फेंक चुकी हूँ और ये सुनकर गुस्से में क्लोई वहाँ से निकल जाती है। घर पर नॉम्स उसे लियम के बारे में बताते हैं और वो उसे बचाने के लिए पोर्टल में जाने को कहती है। आगे हम उसे अपनी तैयारी करते हुए देखते हैं और बाथरूम में खुले एक पोर्टल से वो दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। वहाँ उसे हजारों ट्रॉक्स दिखाई देते हैं और तभी उसकी नज़र लियम पर पड़ती है। वो उससे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे अच्छे दोस्तों की पहचान हो गई है। लियम भी ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और तभी वो एक दूसरे नॉम को वहाँ देखते हैं जो असल में नॉम्स का पुराना लीडर ज़ैम्फिर है। ज़ैम्फिर उनसे यहाँ आने का कारण पूछता है और क्लोई उसे सारी बात बताती है। तभी उन्हें एक जोर की दहाड़ सुनाई देती है और ज़ैम्फिर बताता है कि ये ट्रॉक्स का लीडर मेगा ट्रॉक है जो अकेले ही पूरी धरती को खत्म कर सकता है। आगे ज़ैम्फिर उन्हें एक बड़ा सा कीस्टोन दिखाता है और लियम को लगता है कि इससे वो पोर्टल को फिर से सील कर सकते हैं। वो किसी तरह ट्रॉक से बचते हुए उस कीस्टोन तक आते हैं और लियम देखता है कि क्लोई के फोन की बैटरी कीस्टोन से रिएक्ट कर रही है। वो समझ जाता है कि ये बैटरी लिथियम से बनी हुई है और इसके थ्रू वो इस कीस्टोन को ब्लास्ट कर सकते हैं। तभी वो एक और पोर्टल को खुलते हुए देखते हैं। उस ज़ैम्फिर कहता है कि ये ट्रॉक्स ही उन्हें यहाँ से बाहर ले जाएंगे। लियम और क्लोई भी ऐसा ही करते हैं और बाहर जाते हुए क्लोई उस बैटरी को कीस्टोन में फेंक देती है। ऐसा करते ही घर में मौजूद ट्रॉक्स पोर्टल की ओर खींचने लगते हैं और वो तीनों एक टॉयलेट के थ्रू वापस बाहर आ जाते हैं। नॉम ज़ैम्फिर को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद अब खतरा टल चुका है। तभी क्लोई से मिलने ब्रिटनी वहाँ आती है जो अपनी इंसल्ट का बदला लेने आई है और क्लोई को दिखाती है कि वो नेकलेस अभी भी उसी के पास है।
क्लोई को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी वो देखते हैं कि बेसमेंट से कोई चीज बाहर आ रही है। पता चलता है कि ये मेगाट्रोग है जो किसी तरह पोर्टल से बाहर आ गया है और वो सब उससे बचने के लिए एटिक में चले जाते हैं। क्लोई बचने के लिए उस प्लांट का यूज करती है और देखती है कि मेगाट्रोग उससे पीछे हट रहा है। यहाँ उसे एक आइडिया आता है और वो प्लांट को लेकर घर की छत पर चले जाते हैं, लेकिन मेगाट्रोग ब्रिटनी को पकड़ लेता है। क्लोई ब्रिटनी से उसका फोन और नेकलेस लेती है और उसे उस प्लांट में डालकर मेगाट्रोग के मुंह में फेंक देती है। मेगाट्रोग उसे भी पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए, उसके अंदर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है और वो एक एनर्जी में बदलकर गायब हो जाता है। आगे का सीन सीधा सुबह का है, जहां कैथरीन क्लोई को नींद से जगाती है और बताती है कि तुम्हारा फोन मुझे बाथरूम में मिला है। फोन पर क्लोई ब्रिटनी का मैसेज देखती है, जिसे कल रात के बारे में कुछ याद नहीं है, और वो भागकर अपने घर को चेक करने लगती है, लेकिन देखती है कि वहां सब कुछ नॉर्मल है। फिर वो अपनी मॉम से प्रॉमिस करती है कि वो इस घर के बारे में कभी कंप्लेंट नहीं करेगी और ये सुनकर उसकी मॉम भी खुश हो जाती है। आगे वो नॉम से मिलने एटिक में जाती है और देखती है कि वो अपने नए गार्डन की प्लानिंग कर रहे हैं। एंड सीन में हम उसे और लियम को एक साथ स्कूल जाते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी भी खत्म हो जाती है।